नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए आज दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रखंड प्रांगण अवस्थित बाल विकास कार्यालय मधुबनी पिपरासी कार्यालय पर मंगलवार को प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविकाओं को एंड्रॉइड मोबाइल का वितरण किया गया। मोबाइल वितरण उपरांत CDPO अनिता कुमारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे सरकार की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग मोबाइल के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रों पर बट रहा THR, गोद भराई कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन, पोशाक वितरण, सामाजिक अंकेक्षण आदि का वीडियो बनाकर तथा फोटो खींचकर विभाग को भेजना होगा, जिससे कार्य में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं सभी पारदर्शी तरीके से संचालित हो। वहीं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह चंदेल ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है। सेविकाओं को एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाने से केंद्रों पर किए जा रहे सभी कार्यक्रमों का वीडियो बनाया जाएगा और विभाग को भेज दिया जाएगा। सरकार इसके माध्यम से हमेशा निगरानी रखती रहेगी। वहीं कट्टार पंचायत के BDC प्रतिनिधि अजय मिश्रा ने कहा कि सरकार की योजनाएँ काफ़ी सराहनीय हैं। उस मौके पर उप प्रमुख छोटेलाल मांझी, BDC रतन राम, शंभू सिंह सहित आंगनबाड़ी सेविका मौजूद रहे। बाघा से रवीश मिश्रा की रिपोर्ट। एप्लीकेशन के तहत सेविकाओं को मोबाइल आया हुआ है जिला से पटना से प्राप्त हुआ है। इसे सेविकाओं को बांटा जा रहा है और हम चाहेंगे अब सारा जो सर्वे होगा और सारा रजिस्टर कम हो जाएगा और सारा सेविकाओं को जो है कैश के माध्यम से सारा कार्य करना होगा। मोबाइल के माध्यम से उनका GPS लोकेशन हो जाएगा, इससे उनको मतलब पकड़ने में भी ठीक रहेगा कि वो अपने केंद्र पर हैं कि नहीं है, उनकी उपस्थिति भेजी जाएगी और कि कितने बच्चे हैं रोज़ रोज़ जो डैशबोर्ड पर लोड होगा और इससे काम भी अच्छा होगा, इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। देना है साफ सफाई की व्यवस्था है आंगनबाड़ी केंद्रों से फोटो खींचना और सरकार भी चार टाइम सुबह बच्चे आएंगे तभी फ़ोटो खींचना है, बच्चे प्रार्थना करेंगे तभी फ़ोटो खींचना है, सरकार को निर्देश देना है, व्हाट्सअप करना है कि बच्चे आए कितने और प्रार्थना हो रहा है, प्रेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्यालय आंगनबाड़ी सेंटर पर खिचड़ी बना है कि नहीं।